हाय दोस्त, मैं गुड्डू और मेरा चैनल टेक गुड्डू सोनी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, साथ में बेल आइकन के घंटे दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, ये मशीन जितना भी है ये आपका आइसक्रीम प्लांट का है। तो ये डीप फ्रीजर है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये ग्लाइकोपेटी है और ये माइनस में काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया है, पंपलेस हो गया है। इसको मैंने चेक किया था तो इसका कंप्रेसर जो है पंपलेस हो गया है। तो फिर इसको भी हम चेंज करेंगे। तो फिर बारिश के कारण हम पूरा वीडियो नहीं बना पाए हैं, थोड़ा बहुत वीडियो बनाए हैं जो कि आपको नॉलेजफुल है और आप देखेंगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो जैसे फिर देख रहे हैं, ये इसका कट ऑफ कर लिया है और डिस्चार्ज लाइन पर जब चेक किया तो प्रेशर ही नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके जगह पर दूसरा कंप्रेसर डाले हम। और फ्रेंड्स, और आपको क्या है, इसमें जो भी ऑयल वगैरह है उसको फ्लेशिंग करके हम साफ़ करके निकाल देंगे ताकि कोई दिक्कत बाद में ना आए फ्रेंड्स। और आप लोग को अगर कुछ चीज़ पूछना है हमारे से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम उसका जवाब आपको देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे, आप कमेंट करें, और बहुत लोग कमेंट करते हैं, उसका जवाब भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये देख रहे हैं आप, ये डीप फ्रीजर है। अब डीप फ्रीजर के जो भी है आपको इसके अंदर का दिखाते हैं। ये बिल्कुल माइनस में काम करता है क्योंकि जो आइसक्रीम बनता है इसके अंदर ही स्टोर होता है, और इसमें क्या है कि अगर माइनस में नहीं रहेगा तो आइसक्रीम गल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए हम वीडियो बनाए हैं कि आप लोग ये देख लें और फिर देख लें। ये जनरल मशीन है जो कि मतलब इसमें जो दूध डालते हैं इसको तोड़ के मलाई बनाता है और जिससे कि आइसक्रीम तैयार होता है, जो सांचे के अंदर डाल के। और ये मशीन देख रहे हैं, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी जो कि माइनस माइनस के अंदर काम करता है। और इसमें जो सांचा डालते हैं आइसक्रीम का, उसको जमा के 15 मिनट में निकाल देता है। तो फिर इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है 404 का है, 404 का है, और इसमें जो गैस होता है 404 का, इसमें प्रेशर होता है फ्रेंड्स 35-40 के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा काम करता है। इसका जो देख रहे हैं फ़ैन जो टूट गया था, तो तूफान का फ़ैन हम लोग डाल रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये अब एक बारी गैस का वो देख लीजिए कि कैसे डालना है। तो फ्रेंड्स, अभी इसको ढक्कन हटा के दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर दो पाइप हैं, इनलेट आउटलेट, तो देख रहे हैं कितने बर्फ़ से जमा पड़ा है। और ये जो पानी है इतना ठंडा है कि क्या बताएं आपको, इतना इसी में जो सांचा है उसको डाल के हम लोग 15 मिनट में ही बाहर निकाल लेते हैं, जाके जम जाता है, इतना पानी ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप चलते हैं, हम बाहर आपको दिखाते हैं जो इसका आउटडोर है, इसके जो बाहर आउटडोर लगा हुआ है डीप फ्रीजर का। इसमें देखिए कंप्रेसर हम लोग लाए हैं, और कंप्रेसर हम ये जो है 413 का कंप्रेसर है फ्रेंड्स, 134 का कंप्रेसर है, 413 नंबर, 134। तो फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये देखिए 413। अब फ्रेंड्स, इसको हम क्या है कि इसको रिप्लेस करेंगे, और पानी के कारण हम वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि बारिश इतना तेज़ आ रहा था कि क्या करें फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, इसका कुछ वीडियो जो है आपको नेक्स्ट में डाल देंगे, आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।